यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241 फ्रॉम सीबीएसई 2020। द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ द एपी इज 63। वो क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स इज 63 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट सेवन टर्म्स। तो सम ऑफ नेक्स्ट सेवन टर्म्स इज गिवन एज 161। फाइंड द 28th टर्म ऑफ दिस एपी। तो क्या मांग रहा है मेरे से, ए विच इज नथिंग बट ए प्लस 27D। तो आपका पूरा आज कंसर्न सिर्फ इस पॉइंट पे है, ए निकालो डी निकालो, नहीं तो ये टर्म उधर से कहीं पकी पकाई आ जाए। पर बिकॉज वी हैव टू इंफॉर्मेशन तो वी कैन यूटिलाइज दिस कि वी कैन फाइंड आउट ए एज वेल एज डी। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से समझना, सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स को कैसे लिख पाते हैं। वेरी गुड। तो आपको पहली इंफॉर्मेशन दे दी गई, S7 इज इक्वल टू 63। सम ऑफ नेक्स्ट सेवन टर्म्स का हरकीरत मतलब क्या बेटा? S14 मांग रहा है? गलत। S14 का मतलब होता है टर्म वन टर्म टू से लेके टर्म 14 तक। प्लीज अंडरस्टैंड, इस पॉइंट का मतलब है, सुनो, A8 प्लस A9 प्लस A10 A11 A12 A13 एंड A, अब ये कैसे निकालें? वेरी गुड। अब ध्यान से समझो, इसके आगे कितनी टर्म्स हैं, A1 से A7, उनको क्या बोलूंगा, S7। A1 से लेके A14 तक कौन सी टर्म्स हैं? तो ये S14 है और ये S7 है, तो मैं क्या इतनी टर्म्स को S14 माइनस S7 नहीं बोल सकता? यस और नो? तो मेरे क्वेश्चन में गिवन क्या था, S14 माइनस S7 इज इक्वल टू 161। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S7? 63 ऑलरेडी गिवन। तो S14 क्या हो जाएगा, 161 प्लस 63। ठीक है, तो S14 क्या आया बेटा, 3 and 1 4 12 224। एक वैल्यू ये है, अब एक वैल्यू ये है, बन गया हमारा रेगुलर क्वेश्चन, बन गया क्या नहीं। अब S7 को खोलते हैं, S7 का मतलब क्या होता बेटा, हाँ जी, 7/2 2a + 6d। यस और नो? 7 1 7, इनमें से 2 कॉमन निकला, इस 2 से कटा और इधर क्या रह गया, a + 3d इज इक्वल टू। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। बोलिए अब बात करते हैं S14 पे। S14 है मेरे पास 224। S14 का मतलब क्या हुआ, 14/2 2a + 13d इज इक्वल टू 2 1s are 2 7s are 7 1s are 7 3s are 21 14 7 2s are 14। तो 2a + 13d इज इक्वल टू क्या आ गया, 32। सही है बेटा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, 2a + 13d इज इक्वल टू 32 है और इसको 2a से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2a + 6d इज इक्वल टू 18। सब्ट्रैक्ट 13 - 6, 32 - 18, 14। तो d कितना आ गया, एलिमिनेशन लगानी थी ना, 2a कट गए। ठीक है जी, d आ गया 2। अब इसमें पुट कर दें, a + 3 × 2 इज इक्वल टू 9, 3 2 6 माइनस हुआ तो ये क्या आया, तो a भी आ गया मेरे पास। अब वो डिमांड किस चीज की कर रहा था, a 28। व्हाट इज a 28? a की जगह 3 27, d की जगह 27 2 54 + 3, सो दिस इज माई। तो इस पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्रक्स था ये, करिए जी।